फ्रेंड्स, आज हम रामायण काल के एक और अति महत्वपूर्ण स्थान पर चल रहे हैं और ये जगह है हम्पी के पास स्थित पंपा सरोवर। रामायण काल में पंपा सरोवर किष्किंधा नगरी का ही एक भाग था। पंपा सरोवर के पास से ही तुंगभद्रा नदी बहती है। यहाँ आप ऑटो रिक्शा या अपने निजी वाहनों से साल भर में किसी भी मौसम में आ सकते हैं। नदी पार कर हम केवल 10 से 15 मिनट में पंपा सरोवर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सड़क मार्ग से यह दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। पंपा सरोवर हम्पी से 15 किलोमीटर की दूरी पर अनेगुंडी गांव के पास है। और आज हम आए हुए हैं पंपा सरोवर पर, तो आइए जानते हैं पंपा सरोवर की कहानी और इसका महत्व। पंपा सरोवर हिंदू धर्म की 5 पवित्र झीलों में से एक है। पौराणिक मान्यता व ग्रंथों अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तब सबसे पहले 5 सरोवरों की उत्पत्ति की थी। ये 5 सरोवर है हिमालया में कैलाश मान सरोवर, राजस्थान में पुष्कर सरोवर, गुजरात में बिंदु सरोवर व नारायण सरोवर और कर्नाटका में पंपा सरोवर। यह स्थान अति पुरातन काल में भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का स्थान था। इसी स्थान पर माता पार्वती ने कई वर्षों तक तप किया था और उन्हीं के एक नाम पंपा पर इस स्थान का नाम पंपा सरोवर रखा गया। कालांतर में पंपा सरोवर के तट पर मतंग ऋषि का आश्रम हुआ और यहीं पर उनकी शिष्या व श्री राम की भक्त माता शबरी भी रहती थी। आश्रम में रहकर माता शबरी आश्रम की और सरोवर की रोजाना साफ सफाई करती थी। जब मतंग ऋषि अपने अंतिम समय में शबरी को यहाँ रुककर श्री राम का इंतजार करने को कहा, तब शबरी यहाँ से शबरीकोला नामक स्थान पर चली गई। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, माता शबरी और श्री राम की भेंट शबरीकोला में हुई थी। जब शबरी के बताए अनुसार श्री राम लक्ष्मण महाराज सुग्रीव की खोज में यहाँ पर आए, तब सुग्रीव अपने साथियों के साथ बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत की गुफाओं में रहते थे। श्री राम लक्ष्मण की सूचना मिलने पर सुग्रीव ने हनुमान जी को श्री राम का भेद जानने के लिए भेजा और इसी पंपा सरोवर के तट पर श्री राम हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी और यहीं से हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत तक ले गए। पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। मतंग ऋषि का आश्रम पंपा सरोवर के तट पर आज भी मौजूद है और ये मतंग ऋषि के तप का ही प्रभाव है कि आज भी इस परिसर का वातावरण उतना ही भक्तिमय और मनोरम्य है। यहाँ स्थित पुजारी जी ने हमें पंपा सरोवर और इस स्थान के बारे में कई जानकारी दी। यहाँ मुख्य मंदिर माता लक्ष्मी का है और पास में ही भगवान शिव और पंपा देवी का मंदिर है। सरोवर के 3 तरफ सुंदर बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ मौजूद है और यहाँ हजारों की संख्या में बंदर दिखाई देते हैं। आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर बनी इन वास्तुओं का निर्माण आज से लगभग 1000 से 1500 वर्ष पूर्व लगभग विजयनगर साम्राज्य के समय में किया गया है। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और पास में ही है पंपा देवी का मंदिर। पंपा देवी माता पार्वती का ही एक रूप है। आश्रम के पीछे की तरफ शबरी की गुफा है और पास में ही श्री रामचरण पादुकाएं हैं।
यह है माता शबरी की गुफा। मतंग ऋषि का यह आश्रम था और इस आश्रम में इसी गुफा के अंदर माता शबरी रहती थी और आश्रम की नित्य सेवा करती थी। आइए इस गुफा के अंदर चलते हैं। यह गुफा आश्रम के कोने में ऊपरी भाग में बनी हुई है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में प्राकृतिक रूप से ये एक गुफा बनी हुई है। हालांकि गुफा के बाहरी भाग में हाल ही के वर्षों में और पुरातन काल में कुछ निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन अंदर के भाग में पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से ये गुफा दिखाई देती है। इसी गुफा के अंदर माता शबरी रहती थी। उस तरफ है माता शबरी की गुफा और यहाँ पर है भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं। यहाँ के पुजारी जी अनुसार ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी। भक्त और भगवान की प्रथम भेंट की स्मृति में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर में श्री राम चरण पादुकाएं बनाई हुई है और हनुमान जी और राम जी की एक फोटो रखी हुई है। इस सारे इलाके में बड़े पैमाने पर मिलीपेड या सहस्त्रपद जीव दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 से 12 इंच तक रह सकती है। और यही पंपा सरोवर है जहां पर श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी। मंदिर के बाहर हजारों की तादाद में यहां पर बंदर है, लेकिन मंदिर के अंदर एक भी बंदर नहीं आता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की यह सेना है और मंदिर के बाहर भगवान श्री राम की रक्षा में यह खड़ी है। रामायण काल में किष्किंधा नगरी वानर राज की नगरी थी और आज हजारों साल बाद भी हमें यहाँ हर तरफ हजारों की संख्या में वानर दिखाई देते हैं। और हजारों साल पुरानी किष्किंधा नगरी के ये सबसे पुराने और सबसे बड़े गवाह हैं। सरोवर के पास ही चबूतरे पर भगवान गणेश की सुंदर व प्राचीन मूर्ति विराजित है। इस सरोवर की सुंदरता और आध्यात्मिकता साल भर बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। यहाँ पर सरोवर के दो भाग हैं। ये है मुख्य सरोवर और जब उस सरोवर में पानी ज़्यादा हो जाता है तब इस दूसरे कुंड में आ जाता है पानी। तो फ्रेंड्स, आइए हमारी प्राचीन किष्किंधा नगरी और पंच सरोवरों में से एक पंपा सरोवर के दर्शन करते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं रामायणकालीन एक और खोज में। जय श्री राम।